मांगना चाहिए, आपका कहना है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए कंगना टीम ये कुछ और नहीं, तो कंगना प्लस ये भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल है। पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी ही काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह के बयान कंगना रानावत दे रही है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मुंह से ये बयान आ रहे हैं, यही बोलना चाहिए। इसका जिस तरह से मुंबई पुलिस को बदनाम करना, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई, और कल तो अफसोस की बात है कि मुंबई की तुलना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से करने तक कंगना चली गई, और उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के एमएलए राम कदम करते हैं। तो इन दोनों ने 13 करोड़ महाराष्ट्र की जनता का, जो 106 हुतात्मे थे, जो शहीद थे, जिन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में अपनी जाने गवाई मुंबई के लिए, दूसरी ओर जो भी मुंबई के जितने भी प्रेमी हैं, मुंबईकर हैं, इन सभी का अवमान किया है। और सबसे अफसोस की बात है कि कंगना जैसी कृतघ्न महिला का जो उसके साथ में जो तुलना की गई है झांसी की रानी की, रानी लक्ष्मीबाई की, रानी लक्ष्मीबाई का भी अवमान किया गया है। और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी मंशा है राजनीति करना, बहुत ही घिनौने हद तक भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है, और ये मौन समर्थन कंगना को कर रही है। हम चाहते हैं कि इसके बारे में एक भी निषेध का स्वर, इसकी भत्सना किसी भी भारतीय जनता पार्टी नेता ने की, इसलिए देवेंद्र फडणवीस जी और भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सर